किसी भी कमोडिटी एक्सचेंज को अलग अलग तरह के प्रतिभागियों की आवश्यकता होती है, जिनके निवेश के उद्देश्य और जोखिम सहने की क्षमता अलग अलग हो। इससे बाजार का संतुलन बना रहता है। मार्केट का हर प्रतिभागी कमोडिटी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स का अलग अलग तरह से इस्तेमाल कर अपना अलग अलग किरदार निभाता है। इन प्रतिभागियों में से कुछ लोग हेजर्स, स्पेक्यूलेटर्स या फिर आर्बिट्रेजर्स होते हैं। आज इस वीडियो में हम हेजर्स के बारे में जानेंगे। हेजिंग का पहला उद्देश्य किसी भी कमोडिटी के उत्पादक या उपयोगकर्ता दोनों को उस कमोडिटी की कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव से बचाना है। एक उदाहरण लेते हैं। एक किसान जिसने चने की फसल बोई है, उसे पता नहीं है कि फसल काटने के समय उसे क्या कीमत मिलेगी। इसी तरह एक मिल मालिक है जिसे पता नहीं है कि वो बाद में किस समय किस कीमत पर उस चने को खरीद पाएगा। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे वो दोनों आज ही अपनी बिक्री और खरीद की कीमत तय कर सकें? किसान को एक बोरा चने का उत्पादन करने के लिए 100 रुपए की लागत पड़ती है। जिस समय उसकी फसल कटेगी, एक्सचेंज पर उस समय का चने का वायदा यानी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट भी 120 रुपए प्रति बोरी के भाव से चल रहा है। किसान उस फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट को 120 रुपए में बेच देता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब अपनी फसल काटने के बाद किसान एक बोरी चना एक्सचेंज पर दे देगा तो उसे 120 रुपए मिलेंगे और एक बोरे पर 20 रुपए का फायदा होगा। पर तब क्या होगा यदि मान लीजिए कि फसल की कटाई के वक्त चने के दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए? तब किसान ज्यादा पैसा कमाने का मौका खो देगा। फिर भी वो किसान इस कॉन्ट्रैक्ट से मिलने वाली सुरक्षा और मन की शांति को प्राथमिकता देता है। आखिर किसान का मुख्य काम खेती करना है, ना कि द्वितीय सट्टेबाजी। यदि मान लीजिए दाम प्रति बोरा 80 या 90 रुपए तक गिर जाए, तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की वजह से उसका 120 रुपए मिलना तो निश्चित है ही। मिल मालिक को भी चना खरीदना होता है। उसे पता है कि वो एक बोरी चने से 140 रुपए तक के भाव से चना दाल तैयार कर सकता है। जिस समय उसे चना खरीदना है, एक्सचेंज पर उस समय का चने का फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट अभी 120 रुपए प्रति बोरी के भाव पर चल रहा है, तो 120 रुपए के भाव पर वो चना फ्यूचर्स खरीद लेता है। इस तरह से मिल मालिक भी 20 रुपए का मुनाफा सुनिश्चित कर लेता है। हाँ, ये मुमकिन है कि आगे जाकर अगर चने के दाम और गिर जाए तो वह शायद अधिक लाभ कमा सकता था, पर उसका काम है मिल चलाना, ना कि बाजार के उतार चढ़ाव पर अटकलबाजी करना। यह भी संभव है कि चने का भाव उसकी खरीद के समय तक 130 या 140 रुपए बढ़ जाए, लेकिन इससे मिलर पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसने 120 रुपए के भाव पर एक्सचेंज में अपना माल सुरक्षित कर लिया है। इस तरह किसी कमोडिटी के खरीदार और विक्रेता दोनों ही कीमतों में विपरीत चाल से होने वाले नुकसान को खत्म कर अपने मूल कारोबार या काम पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। जोखिम और रिटर्न की अलग अलग प्राथमिकताओं के आधार पर ही बाजार में काम करने वाले मार्केट प्रतिभागी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। प्रतिभागियों की अलग अलग श्रेणियां, जोखिम और रिटर्न की अपनी अपनी प्राथमिकताओं के कारण ही बाजार में होने वाली घटनाओं पर अलग अलग तरह से प्रतिक्रियाएं करते हैं। इन्हीं प्रतिक्रियाओं से तय होता है कि किसी कमोडिटी के भाव की चाल किस तरह होगी। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और जानकारी के लिए askus@nctx.com पर हमें मेल कीजिए या 1800-266-2339 पर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं।